सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम लैंड टीम की प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के थर्ड एंड डिसाइडिंग टेस्ट मैच के बारे में। कहीं पहले दो जो टेस्ट मैच हुए थे गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए थे। कहीं दोनों मैच ड्रॉ में हो गए थे। कहीं दोनों टीमें गाइस काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं गाइस अपने अपने डिपार्टमेंट में। गाइस बैटिंग हो, बॉलिंग हो, गाइस दोनों टीमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है दोनों। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो गाइस इस वीडियो में गाइस आपका हम आपको इस बड़े मैच की गाइस ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि गाइस होने वाला है थर्ड टेस्ट मैच एंड गाइस डिसाइडिंग टेस्ट मैच। कौन सी टीम, जो भी टीम में मैच जीतेगी गाइस सीरीज वो अपने नाम करके ले जाएगी। तो गाइस वीडियो के अंदर जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था आप हमारे दो कम कर दीजिए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना। हमारे टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, प्लीज जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फाइनल टीम। तो गाइस चलते हैं अपने वीडियो की तरह। गाइस अगर हम पहले बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन के ऊपर, तो गाइस आप प्लेइंग इलेवन आप चेकआउट कर सकते हैं दोनों टीमों की। गाइस काफ़ी ज़्यादा शानदार प्लेइंग इलेवन हमें आपको देखने को मिल रही है। हर मैच में, हर इनिंग में अलग अलग मैच विनर हमें आपको हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गाइस लास्ट मैच की बात कर ले तो बाबर आजम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनिंग खेल दी। बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, गाइस वे बात कर ले गए, शाहीन अफरीदी गए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए गाइस कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो गाइस ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर का फॉर्म गाइस इतना अच्छा खास चल नहीं रहा था। उनका यहाँ पे गाइस उस्मान खौजा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं। गाइस हर मैच में इन्होंने, हर इनिंग में गाइस इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। गाइस बाकी मानस लबुछाने भी अच्छी पिक रहेंगे। गाइस यहाँ पे सिक्स में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए गाइस अपनी टीम को अच्छे स्कोर की तरफ काफ़ी बार देखे गए हैं। और यहाँ पे गाइस अगर हम पिच रिपोर्ट के ऊपर नजर डालें, तो गाइस पिच गाइस वही पिच रहने वाले गाइस बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। गाइस अब अगर आप पहले बैटिंग करते तो गाइस आप इजीली गाइस एक 400 प्लस इनिंग खेल सकते हैं गाइस अगर आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाली टीम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम अपडेट्स के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे गाइस पाकिस्तान गाइस वही बात है गाइस लास्ट मैच में गाइस इन्होंने पहली इनिंग में गाइस इनकी अच्छी नहीं रही थी, बट गाइस सेकंड इनिंग्स में इन्होंने सारा कवर अप कर दिया। एंड गाइस इतना बड़ा रन चेस, जो 506 रन का इनको रन चेस करना था सेकंड इनिंग में, गाइस काफ़ी ज़्यादा क्लोज आके गाइस मैच को ड्रॉ करवा दिया था। वहीं पर गाइस अगर मेरे रॉबर्टो बैटमैन को नजर डाल लेते गाइस इमामुल्लाह एंड गाइस अब्दुल्ला शफीक आपको देखने को मिलेंगे नंबर एक, नंबर दो पे, नंबर तीन पे बैटिंग करने आएंगे अजहर अली, उनके साथ नहीं बनेंगे गाइस बाबर आजम एंड फवाद आलम। इन पे बात कर लेंगे बॉलिंग में, बॉलिंग में नौमान अली आपको स्पिन बॉलिंग देख करते हुए देखने को मिलेंगे, पेस बॉलिंग में आप शाहीन अफरीदी ने शाहिद खान आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपडेट्स को पन्ना डालें, तो गाइस ऑस्ट्रेलिया की टीम का अगर हम बात करें गाइस इनकी, तो गाइस फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गाइस 500 प्लस रन स्कोर कर दिए थे, जो कि गाइस एक बिल्कुल पहाड़ जितना लक्ष्य बन गया था गाइस यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, जो कि गाइस उनके लिए चेस करना बिल्कुल भी एक आसान बात नहीं रहने वाली थी। गाइस फिर भी गाइस पाकिस्तान ने गाइस फर्स्ट इनिंग अगर उनकी बेकार गई, तो गाइस सेकंड इनिंग में उन्होंने कवर अप करके गाइस मैच को ड्रॉ करा था। वहीं गाइस ऑस्ट्रेलिया चाह रही थी गाइस बस तीन विकेट और मिल जाते हैं, तो गाइस लास्ट मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ले जाती गाइस। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर ले टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, तो गाइस डेविड वार्नर और उस्मान खौजा आपको देखने को मिलेंगे, नंबर तीन में बैटिंग करने आएंगे गाइस मानस लबुछाने, उनके साथ में मानेंगे यहाँ पे गाइस स्टीव स्मिथ एंड ट्रैविस हेड। बॉलिंग में देख ले, बॉलिंग में मानस लबुछाने ने नेथलैंड आपको स्पिन बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, पेस बॉलिंग में यहाँ पे गाइस आपको पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप पिक्स यहाँ पे रहने वाले गाइस यहाँ पे बाबर आजम हो गए, मान लबुछाने हो गए, उस्मान ख्वाजा हो गए, नेथन नैन, इमामुल्लाह कैन गए, अब्दुल्ला शफीक। अगर हम गाइस रेस्पेक्टिवली बात कर ले दोनों टीमों के अलग अलग की प्लेयर यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं, तो गाइस यहाँ पे रहेंगे गाइस इमामुल्लाह, अब्दुल शफीक, यहाँ पे गाइस अजहर अली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली एंड शाहीन अफरीदी। वहीं पे गाइस अगर हम बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो गाइस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पे रहने वाले हैं डेविड वार्नर हो गए, उस्मान ख्वाजा हो गए, मानस लबुछाने हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, पैट कमिंस हो गए एंड नेथन लायन हो गए। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको ग्रैंड लीग की पिक्स बताऊँ कुछ, तो अगर यहाँ पर आप रहने वाले फहीम अशरफ हो गए, गाइस हसन अली को आप पिक कर सकते हैं, गाइस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गाइस मिचेल स्टार्क को पिक कर सकते हैं, ट्रैविस हेड को पिक कर सकते हैं। गाइस ट्रैविस हेड गाइस इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट गाइस इस मैच में आपको एक अच्छी नहीं खेलते हुए दिखाई दे सकते ट्रैविस हेड भी। तो गाइस चलते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। गाइस यहाँ पे गाइस अगर हम विकेट कीपर सेक्शन के ऊपर नजर डालें, तो गाइस विकेट कीपर यहाँ पे रहने वाले हैं, गाइस दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एलेक्स हरी को पिक कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान को पिक कर सकते हैं। गाइस लास्ट इनिंग जैसी इनकी मोहम्मद रिजवान की रही थी, गाइस यहाँ पे मैं मोहम्मद रिजवान के साथ इजी लेना चाहूँगा, एलेक्स हरी को भी मैं पिक करना चाहता हूँ, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एलेक्स हरी को ड्रॉप करने वाला हूँ। बात कर लेते हैं बैटिंग में, बैटिंग में यहाँ पे गाइस स्टीव स्मिथ को लेंगे, गाइस यहाँ पे गाइस सेकंड पिक मेरी बाबर आजम के साथ रहेगी। गाइस डेविड वार्नर को मैं पिक नहीं करने वाला, क्योंकि गाइस इनका फॉर्म कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो गाइस यहाँ पे मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करके यहाँ पे गाइस अपने एक अजहर अली को पिक करूँगा। लास्ट
क्योंकि यहाँ पे मेरे रहने वाले उस्मान ख्वाजा के साथ, गाइस यहाँ पे गाइस मैं इमाम उलक के साथ भी जाना चाहूँगा, क्योंकि गाइस इमाम उलक ने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है गाइस यहाँ पाकिस्तान की तरफ से। ऑलराउंडर में देखने गाइस मानस लबुसा ने इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर का प्लेयर रोल प्ले करने वाले हैं गाइस, उनके साथ यहाँ पे मैं नौमान अली को पिक करने वाला हूँ। गाइस बॉलिंग में देख लिया, बॉलिंग में गाइस यहाँ पे पैट कमिंस इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है आपके लिए। गाइस यहाँ पे गाइस नेदरलैंड को पिक कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क को पिक कर सकते हैं, गाइस ये तीनों आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पिक कर सकते हैं। बट गाइस अगर आप ऐसा करते हैं तो गाइस आपके एक दिक्कत आ जाएगी गाइस, कि आपने पाकिस्तान का देखिए गाइस एक ही बॉलर रहेगा गाइस नौमान अली, गाइस पाकिस्तान का कोई बॉलर नहीं रहने वाला। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ, यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे एक प्लेयर कम बैट्समैन कम करके पाकिस्तान का अजहर अली जो है गाइस उनको कम करके यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे शाहीन अफरीदी को पिक करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस शाहीन अफरीदी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं इस मैच के लिए। सो गाइस अगर हम यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऊपर नजर डाल रहे तो गाइस यहाँ पे कैप्टन यहाँ पे रहने वाले हैं गाइस मेरी तरफ से इस बार के गाइस उस्मान ख्वाजा गाइस। जी हाँ गाइस उस्मान ख्वाजा मैं यहाँ पे कैप्टन रखने वाला है, वाइस कैप्टन यहाँ पे मेरे रहने वाले हैं बाबर आजम, जो कि गाइस लास्ट मैच में अच्छी नहीं खेल कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी हमें देखने को मिले थे लास्ट बैटिंग में। यहाँ पे गाइस ये मेरे फिलहाल के लिए फाइनल टीम रहने वाले गाइस, होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगी, टीम अच्छी लगी गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना का, चैनल में तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट जॉइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देकर मैं सेक्शन में पिन कर दिया है। तो गाइस ये वीडियो तक की टीम मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।